हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट द कोड कन्वर्टर्स। अब ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट फॉर गेट और यूजीसी नेट, बट इफ यू नो दिस टॉपिक डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम। You can skip this topic, you can skip these two videos, that is here, and in this video I'm going to discuss about the code conversions, and in the second video again I'm going to discuss about the BCD adders. So these two topics, directly these two topics are not helpful for the exam, because ab tak aisa nahi hua hai ki unhone exam mein iske bare mein koi bhi question puche hain, but again definitely if you will watch this video definitely it will help. So what I will do is I'll try to keep this video concise. Instead of solving the questions here, I'm just going to give a brief idea. How can you convert one kind of code to another kind of code? आप किस तरीके से conversion किया जा सकता है उसका मैं आपको एक brief idea दूंगा, not going to solve everything in thorough details. Okay, let us start this one here. So in code conversions, the first code that we are discussing about is the BCD code. And the BCD means binary coded decimal. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, BCD means binary coded decimal. So basically what happened is, in earlier times, जैसे पहले हमारे पास IBM के कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हुआ करते थे in 1970s, so they used BCD code to represent decimal numbers, and the calculations in BCD code was very easy. उस समय जो कैलकुलेशन थी वो काफ़ी ईजी थी. सो वट इज़ अ BCD कोड? BCD कोड मीन्स आपके पास जो भी डेसिमल नंबर है, वट एवर डेसिमल नंबर यू हैव, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर एज ए, जो भी आपके डेसिमल नंबर है, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस डेसिमल नंबर इन 4-bit बाइनरी. हर एक डेसिमल नंबर को आप 4-bit के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. एज यू नो, इन डेसिमल वी हैव सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9. हमारे पास सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही सिंबल्स होते हैं. वी डू नॉट हैव एनी सिंबल आफ्टर 0 to 9. 0 से लेकर 9 तक सिंबल होते हैं. सो बेसिकली वी यूज़ BCD कोड फ्रॉम 0 to 9 ओनली, राइट? वी यूज़ 4 bits टू रिप्रेजेंट वन डेसिमल नंबर. फॉर एग्जाम्पल हियर, इफ आई हैव अ डेसिमल नंबर एज 1, आई कैन यूज़ 4 times 0 टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 1. If I have a decimal, sorry, if this is 0 basically, and this, if I have a decimal number 1, so I can use 0001. If I have a decimal number 3, I can use 0011. If I have decimal number 9, then I can use 101 to represent this decimal number. So as I told you, we only represent decimal numbers here. So jo decimal numbers hote hain, in decimal numbers you have symbols from 0 to 9. यू डो नॉट हैव अ सिंबल 10, 11, 12, 13. ये सिंबल्स आपके पास नहीं है. डेसिमल नंबर्स में जो भी सिंबल्स आपके पास होते हैं, ऑल द सिंबल्स आर फ्रॉम 0 to 9. ओके, सो दैट मीन्स द सिंबल फॉर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू हैव अ हेक्सा डेसिमल नंबर, इन हेक्सा डेसिमल नंबर यू हैव टोटल 16 सिंबल्स, 0 to 9 एंड देन A to F.
हेक्साडेसिमल डेसिमल में आपके पास टोटल 16 सिंबल्स हैं, लेकिन डेसिमल में आपके पास टोटल 10 सिंबल्स है. देयरफॉर इवन इफ यू कैन रिप्रेजेंट 16 कॉम्बिनेशंस विद द 4 बिट्स, आप 4 बिट्स के साथ 16 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट 16 कॉम्बिनेशंस बिकॉज अदर कॉम्बिनेशंस आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन 9, अदर कॉम्बिनेशंस विच आर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस विल बी डोंट केयर कंडीशंस फॉर अस. जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. So here you can see, if I have a number 25, if I want to represent 25 here in case of BC, how can I represent? To represent this 5, I'm going to use 4 bits. So it will be 0101. And to represent this 2, I'm going to use again 4 bits. So it is 0010. So this entire digit here, this entire number here, it is representing a decimal number 25. Okay, इससे हम decimal number 25 को show कर सकते हैं. ओके एंड इफ इन द सेम वे अगर हम 25 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, इफ आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट 25 इन बाइनरी, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट? सो दिस इज 11001, दिस इज बेस 2. इफ आई कन्वर्ट दिस इन बाइनरी, देन दिस विल बी, दिस इज 1 2 1 2 4 6, सो 2 4 8 प्लस दिस इज 16. तो इस तरीके से आप 25 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑब्वियसली द बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ 25 इज दिस, राइट? बट वी आर नॉट रियली लुकिंग फॉर दिस बाइनरी कॉम्बिनेशन हियर. वी आर लुकिंग टू रिप्रेजेंट एवरी डिजिट इन अ डेसिमल नंबर विद द हेल्प ऑफ 4 बिट्स इन बीसीडी, राइट? सो इन बीसीडी 25 इज लाइक दिस, बट इन बाइनरी 25 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीसीडी एज वेल एज इन बाइनरी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए बीसीडी और बाइनरी के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस बीसीडी टू बाइनरी, बीसीडी कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन यू डू इट? सो आई मीन हाउ कैन यू कन्वर्ट अ बाइनरी कोड टू बीसीडी, आप बाइनरी कोड को बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन यू डू इट? सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ टेबल हियर, राइट? सो इन दिस टेबल वी हैव दीज नंबर्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी नंबर्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग द बीसीडी नंबर्स. So as I said, we are only going to represent numbers from 0 to 9, right? So here I have number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? So I mean, till this point of time, this is important. Is point of time tak hamare paas ye sara important hai, right? So after this point of time, if we have a digits which is 10, 11, 12, 13, 14, 15, so for all of these digits, I can use a don't care condition. यहाँ पर ये जितने भी आपके पास combination है, in all of these combinations, I can use a don't care condition, right? But here you can see something very special here. Instead of just using four digits, I'm using one digit extra. That is, I have a fifth digit. यानी कि digit 0 से लेकर digit 4 तक हमारे पास है. तो ये जो fifth digit है, this fifth digit is extra. So basically what we are trying to say is, any number which is after 10 onwards, right? So in this 10 onwards, this 0 can be represented by this combination, and this one, this extra one, can be represented by, let me explain you. So here, if I have a number 10, now in this number 10, I can represent this 0 by 4 zeros, and I can represent this one by 0001. So in this manner, I can represent the number 10. So that is why, because even I have choices that I can have total of 16 combinations with the 4-digit binary numbers, because हमारे पास binary number के 4-digit के 16 combinations हैं. That is why from 0 to 9 it is fine, but from 10 to 16, 10 to 15, what I'm doing is I'm using this extra bit to represent this bit. यानी कि ये वाले जो bit है, इसको हमने यहाँ पर represent किया है, correct? So in the same way, if you have 11, अगर आपके पास 11 है, how can you represent 11? This one will be 0001 and this one will be 0001. So that means I'm using this combination here to represent 11. तो यहाँ पर मैं इस combination से 11 को represent कर रहा हूँ. You can see this combination here. I'm using this to represent 11. Okay? I hope that you understood this. इसी तरीके से if you have 12, 13, 14, 15, in this manner you can represent all the combinations, right? Now what I got, अब मुझे क्या मिला है? If you look at this table clearly, what I got here in this table, I have these combinations, ये जो साइड वाले combinations हैं, and here I have five functions. We have function for D0, D1, D2, D3 and D4.
फॉर डी जीरो आई कैन मेक अ के मैप, डी जीरो के लिए मैं के मैप बना सकता हूँ, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द के मैप फॉर डी जीरो. इन द सेम वे फॉर डी वन आई कैन मेक अ के मैप, तो डी वन के लिए हमारे पास के मैप है. इन द सेम वे फॉर डी टू आई कैन मेक अ के मैप, फॉर डी थ्री आई कैन मेक अ के मैप, एज वेल एज फॉर डी फोर आई कैन मेक अ के मैप. तो मैं हर एक डिजिट के लिए यहाँ पर एक के मैप को बना सकता हूँ, एंड देन बाय आफ्टर मेकिंग दिस के मैप आई कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट. सो डी जीरो जो है वो बी जीरो के इक्वल है, देन फॉर डी वन आई हैव सम इक्वेशन, फॉर डी टू आई हैव सम इक्वेशन, फॉर डी थ्री आई हैव सम इक्वेशन. सो आई कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ सर्किट हियर. नाउ इन दिस सर्किट इफ यू आर गोइंग टू गिव सम बाइनरी कोड, देन दिस विल कन्वर्ट दैट बाइनरी कोड टू अ बीसीडी कोड. So in this way, you can easily convert a binary number, a binary code to a BCD code. Okay, I hope that you understood this. आपको ये अच्छा लगा होगा. Okay, and this one thing very special today that I am just noticing right now. So I'm living in Delhi from past I think 6-7 years. ठीक है, लेकिन this is the very first time मैंने पिछले 6-7 सालों में मैंने चिड़िया के चहकने की आवाज़ सुनी है. I don't know if you can hear in this mic, but somewhere near a window. जो चिड़िया है वो चहक रही है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू नो कोरोना लॉकडाउन. तो जो लॉकडाउन हुआ है उससे ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम हुआ है, एंड बिकॉज पॉल्यूशन कम हुआ है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी चीज़ें होंगी, इवन लॉट ऑफ इट हेल्प लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो इट्स गुड, समथिंग वेरी गुड, एंड आई कुडंट यू नो आई डोंट नो आई मीन इफ यू गाइज लिव इन अ वेरी इन अ सिटी जो काफ़ी दूर है, आई मीन इन लोकल प्लेसेस इन इंडिया, but especially in Delhi it is very rare to see birds jo aise aise chahak rahi hai, so it's very rare to see this. Chalo, anyways, then we have designed a BCD to access 3 code converter. To aapke paas ek BCD code converter hai, and then you have access 3 code. So access 3 code is basically you take a binary code and you add 3 in this binary code, then you get a access 3 code. So obviously sometimes what happens is in BCD, if you do some calculations, so in BCD the calculation became little difficult. Kuch calculations mein BCD thoda sa difficult ho jata hai. In that case, we use access 3 code because some calculations in access 3 code is much easier as compared to performing calculations in BCD. Okay, so that is why hum log yahan par access 3 code ko use karte hain. Okay, so what are the advantages? Obviously you can read these advantages by after this video. आप इन advantages को यहाँ इसके बाद आप discuss कर सकते हैं. I'm going to discuss about all of these things in a lot of details when we are going to study number systems. Number system में जितने भी आपके codes हैं, your BCD code, access 3 code, gray code, इन सभी codes के बारे में मैं बहुत detail में discuss करूँगा. Then you will get the significance of each of these codes. हर एक code की significance जो है वो आपके साथ clear हो जाएगी. Okay? So as of now, just look at this one. सो वट इज़ एक्सेस 3 कोड. एक्सेस 3 कोड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्सेस 3 कोड का मतलब क्या है. इफ़ यू टेक एनी बाइनरी नंबर, जैसे योर नंबर इज 0110, राइट, दिस बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 6, करेक्ट. एंड इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट 6 इन एक्सेस 3 कोड, दैट मीन्स यू हैव टू एड 3 विद इट. आफ्टर एडिंग 3 विद इट, दिस नंबर विल बी 1 0 0 and 1. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 6 इन एक्सेस 3. ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस 3 कोड के अंदर. सो बेसिकली इन एक्सेस 3 यू टेक एनी बाइनरी नंबर एंड यू एड 3 विद इट, देन वट एवर द कोड यू विल गेट, दैट कोड विल बी कॉल्ड एज ए एक्सेस 3 कोड. ओके, नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी हैव अ बीसीडी कोड एंड वी वांट टू कन्वर्ट द बीसीडी कोड टू एक्सेस 3 कोड. सो ऑब्वियसली बीसीडी कोड्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम 0 to 9 ओनली. तो बी सी डी कोड की जो सिग्निफिकेंस है वो 0 से लेकर 9 तक ही है. सो आई एम गोइंग टू राइट द बी सी डी कोड्स हियर एंड देन आई एम गोइंग टू राइट द एक्सेस 3 कोड्स हियर. सो इन बी सी डी कोड ऑल आई हैव टू डू इज इफ आई टेक दिस कोड जस्ट ऐड 3 विद दिस, अगर आप इसमें 3 ऐड करेंगे देन यू विल गेट दिस कोड. इफ आई टेक दिस कोड जस्ट ऐड 3 विद दिस, देन यू विल गेट दिस कोड. इफ आई टेक दिस कोड जस्ट ऐड 3 विद दिस, देन यू विल गेट दैट कोड. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी अगर आपके पास कोई भी बी सी डी कोड है, इफ यू टेक एनी बी सी डी कोड एंड इफ यू एड 3 विद दिस, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कोड एंड दिस कोड इज योर एक्सेस 3 कोड. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा. एंड दिस एक्सेस 3 कोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एज यू कैन सी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्सेस कोड को समझना. एंड हाउ कैन इम्प्लीमेंट, अगेन द सेम मेथड, उसी सेम तरीके से आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
How can you do it? It's very, very easy. Make K-maps for all of these conditions, but remember something special here, something different here. For all the numbers from 10 to 16, jitne bhi 10 to 16 numbers hai, we are going to use don't care conditions for them. Jo bhi numbers 10 se lekar 16 tak hai, hum wahan par don't care conditions ka use karenge. We will use don't care conditions for the number from 10 to 16. Okay, so again you can see I have the digit E0. For E0, I can make a K-map. I think this is representing E0. For E1, I can make a K-map. For E2, I can make a K-map. For E3, I can make a K-map. And after making the K-map for all of them, just solve the K-map and then you'll get equations. And you can implement these equations here. Aap in sabhi equations ko implement kar sakte hain, and then you can get this kind of circuit. So you can see, it is so easy to implement BCD to XS3 code converter. Now there is one more way. Aap ek aur tarike se BCD se XS3 code conversion nikal sakte hain. If you have a 4-bit binary adder, right? We have already designed it. Humne 4-bit binary adder ko already design kiya hai, correct? We have two kinds of 4-bit binary adder. One is ripple carry adder and second one is carry look ahead adder, right? So in this case, you can take any one of them. Now, what you do is, just in one case, just input the BCD code. Jo bhi aapka BCD code hai, usko yahan se input karo. And on the second input, just add 3. So ये जो number है, this is representing 3. ये जो number है in binary, if you convert it to decimal, then it is representing 3. So take the BCD code and add 3 to the BCD code, then it will give us XS3 code. So making the XS3 code is so easy. If you have a 4-bit adder, you can simply convert a BCD code to XS3 code. Such a easy way. कितना आसान है इसको करना? You can easily understand it. Okay. Now the next one is BCD to gray code. BCD से gray code के बीच में. अब देखो मैंने आपको बताया था, told you something special that when you use a K-map, in your K-map you use grey code. अपने K-map के अंदर आप grey code का use करते हैं, use grey code in K-maps. Okay? Now in this case, you can see that we have this is the BCD code and this is the grey code for the same BCD code. अब grey code की खास बात क्या है? What is the benefit of using a grey code? So I told you that between any two combination you have a change of only 1 bit. जैसे इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही bit का change है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक bit का change है. Between these two only 1 bit is changed. Between these two only 1 bit is changed, right? So if you have 4-bit grey code, that means it will be having a total of 16 combination. इसके जो total number of combinations होंगे, वो 16 combinations होंगे, correct? And I have not mentioned all of those 16 combinations here because we have these BCD code only till 0 to 9. Hum 0 se lekar 9 tak hi BCD code ka use karte hain. That is why from 10 to 15, we do not have the combinations here. But again, if you have the combination, then you can simply use gray code for them. Theek hai? Toh ab simply unke liye jo gray code hai, usko completely use kar sakte. Then you will see the last gray code and the first gray code, they will be having a change of only 1 bit. I hope that you remember it. Aap sabhi ko yaad hoga. But again, we will be discussing about this gray code in more details in the upcoming lectures. जो आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम ग्रे कोड, बीसीडी कोड, एक्सएस3 कोड, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे. राइट नाउ जस्ट गेट सम आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. बस इतना समझो कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स इट. ओके, सो अगेन एज आई सेड, यू कैन मेक के मैप फॉर ऑल ऑफ देम एंड देन यू कैन अप्लाई इट. आप सभी के लिए इंडिविजुअली के मैप यूज़ कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड यू कैन मेक दिस टेबल. सो इन द सेम वे, दिस इज द बीसीडी टू ग्रे कोड. एंड you can also make this BCD to gray code with the help of NAND gates. आप इसको NAND gate से भी, I think this is binary to gray code, this is not BCD, this one is binary to gray code. Okay, and this binary code here, it is a 8421 code. ठीक है, so again here you can see that every here we have total of 16 combinations, 0 से लेकर 15 तक आपके पास total 16 combinations हैं. And if, here in the gray code, if you take the last one and even if you take the first one, then you will know that we have a change of only 1 bit. Between any two adjacent code, we will be having a change of only 1 bit. You can take any two randomly. Sirf ek bit ka hi change hoga, they will not be having change of more than 1 bit. Again, it is very simple. For each of these digits, you have to represent a K-map. So for G0, make a K-map. For G1, make a K-map. For G2, make a K-map. For G3, make a K-map. And then you can solve the equation for the K-map and you can implement it as a circuit. And because we have to use a NAND gate here, I can take these equations and I can apply in the with the help of a NAND gate.
एंड आई थिंक आई टोल्ड यू हाउ टू कन्वर्ट अ एंड और लॉजिक टू नैंड गेट, तो मैंने आपको बताया था, एंड यू कैन सिंपली कन्वर्ट दिस टू द नैंड गेट. सो इट्स सो इजी, इतना आसान है. ओके ओके फाइन. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कोड कन्वर्टर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बीसीडी एडर. अगले वीडियो में हम बीसीडी एडर के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दिस बीसीडी एडर, अगेन दिस दैट वीडियो इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी. यू वॉन्ट टू स्किप इट, यू कैन डेफिनेटली स्किप इट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ यू स्टडी इट, इट विल हार्डली टेक 5 or 10 minutes टू गो थ्रू विद इट. सिर्फ 5 से 10 मिनट की बात है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. ओके सो नेक्स्ट वन इज द बीसीडी एडर. नाउ लेट अस लुक एट द बीसीडी एडर एंड एक्सेस 3 एडर्स. तो बीसी एडर और एक्सेस 3 एडर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. नाउ इन बीसीडी, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट एग्जैक्टली द बीसीडी कोड इज, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट बिट्स इन द बीसीडी कोड. नाउ व्हेन यू ऐड 2 बीसीडी नंबर्स, सो द रिजल्ट कैन बी इन बीसीडी और इट मे नॉट बी इन बीसीडी. ओके लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक्सप्लेन यू दिस इन अ प्रॉपर डिटेल. लेट अस अज्यूम दैट आई वॉन्ट टू ऐड नंबर 2+3, right? So what is the BCD code for 2? The BCD code for 2 is 0010. What is the BCD code for 3? The BCD code for 3 is going to be 0011, right? So if you add these bits, then 0+1 is 1, 1+1 is 0, again here the carry will be 1, so 1 0, right? So this is representing a number 5, right? It is perfectly fine. ये परफेक्टली फाइन है. इवन इफ यू ऐड 2+4 दैट इज परफेक्टली फाइन, 2+5 दैट इज परफेक्टली फाइन. बट द प्रॉब्लम इज इफ यू ऐड नंबर्स, इफ यू ऐड नंबर्स लाइक 7+8, करेक्ट? सो द रिजल्ट हियर इज 13 एंड दिस 13 इज ग्रेटर देन 9. ये जो 13 है ये 9 से बड़ा है. आई मीन टू से 7 विल बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस 0111, 8 विल बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस 100, करेक्ट? सो the result here is 1111. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दिस रिजल्ट इज एक्चुअली ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज सम इज 15. आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर. सो सम इज 15, दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग हियर. आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक. तो जो सम है आपका वो यहाँ पर 15 रहेगा. द सम इज 15. सो यू कैन सी दिस नंबर हियर, दिस इज नॉट इवन प्रेजेंट इन बी सी डी. ये जो नंबर है ये बीसीडी में नहीं है. दिस इज अ बाइनरी नंबर, राइट? दिस इज नॉट प्रेजेंट इन बीसीडी. सो एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 9, जो भी सम आपका ग्रेटर देन 9 आएगा, मे बी यू कैन गेट अ सम एज 10, मे बी यू कैन गेट अ सम एज 11, मे बी यू कैन गेट अ सम एज 12 एंड सो ऑन. एनी सम दैट यू कैन गेट विच इज ग्रेटर देन 9, एंड इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट सम टू बीसीडी, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड 0110 इन दिस. आई मीन टू से आई हैव टू ऐड 0110 हियर. If I add 0110, then this will be 1, carry 1. So again 1, carry 1, and again 0 and carry 1. Now you can see this here, this is representing your BCD code. Ye aapka BCD code ko represent kar raha hai. And how can this represent BCD code? Ye BCD code kaise represent kar raha hai? If you have 15, so 15 can be represented as 0101, and 1 can be represented as 0001. So I'm using this part here, and I'm representing this part with this case. ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपलिसिटी पर्पज से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इफ आई वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, आई कैन से दैट इफ यू हैव अ बी सी डी, इफ यू हैव एनी बाइनरी नंबर्स, राइट? एंड और यू कैन से इफ यू हैव अ बी सी डी नंबर्स एंड इफ यू एड 2 बी सी डी नंबर्स, सो इफ द सम ऑफ दीज 2 बी सी डी नंबर्स इज लेस देन 9, देन देर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ द सम इज 10 और ग्रेटर देन 10, देन देर इज अ प्रॉब्लम. देन बट यू हैव टू डू इज whatever sum you will get, जो भी आपको sum मिलेगा, in that sum I have to add this number 0110 so that I can make it in the BCD. तो मुझे इसको BCD में बनाना है. How? Why I am adding 0110? मैं इसको क्यों add करूँ? Why I am even adding this? So look at this one, this number, right? Or if I have a number 10, so 10 in binary. 10 binary में क्या होता है? What is 10 in binary? It is 1010. This is 10 in binary, right? So again, this is not in BCD. ये BCD के अंदर नहीं है. This is not in BCD, right? So what I have to do is, I have to add 6 with it, ताकि ये 15 से बड़ा हो जाए, right? Because with the help of 4 bits, you can make combinations from 0 to 15, right? So I want to make a combination here. I want to add 0110 here, so that whatever result will be,
इट शुड बी 16, जो आपका रिजल्ट है वो 16 होना चाहिए. व्हेन द रिजल्ट इज 16, देन दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ बीसीडी नंबर, राइट? सो द रिजल्ट हियर विल बी 10000. ओके, तो जो रिजल्ट है, आई थिंक, सो सॉरी, दिस इज 0, दिस इज 0, एंड हियर कैरी इज 0. आई थिंक दिस विल बी द रिजल्ट. सो दिस रिजल्ट विल बी इन बीसीडी. ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये बीसीडी में है. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. आपको ये पता होगा, बिकॉज इन दिस रिजल्ट, वाई दिस इज इन बी सी डी, आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी हैविंग दिस डाउट. आप में से कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा वाई दिस इज इन बी सी डी. यू कैन सी दैट दिस जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ऑल जीरोज हियर, एंड दिस वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस, राइट? सो नाउ दिस रिजल्ट इज इन बी सी डी. ओके, सो दिस इज वॉट आई हैव टू इम्प्लीमेंट. ये जो है ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. सो दैट मीन्स sum from 0 to 9 is not a problem, but if I have a sum which is greater than 10 or greater than 10, then there's a problem. Okay, then I have to resolve that issue. Let me show you how can I do it. So from 0 to 9, sum from 0 to 9, not a problem. Only for these combinations I'm going to create so this is what, this is representing the sum, right? So these S0, S1, S2, they are representing the sum. I mean to say that if you have numbers, like if you have a BCD number here, so this is BCD number 1 and this is BCD number 2. So assuming that your number 1 is A0, A1, A2 and A3, and your number 2 is B0, B1, B2 and B3, then here, then I'm going to have some S0, S1, S2 and S3. Okay? So that means if these digits, if this sum is from 0 to 9, अगर ये जो sum है वो 0 से लेकर 9 तक है, then I don't have any problem, तो मुझे कोई भी problem नहीं है. But if this sum is greater than 9, that means if the sum is 10, 11, 12, 13, like this, if the sum is greater than 9, then I have an issue and then I have to resolve the issue. Okay? That means I do not have to worry about it. यहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक I can just do binary addition. But if for the sum which is greater than 10 or greater than 10, then I have to add 0110 to this. So, in this case, we have to add 0110. For that purpose, I can make a K-map and I can easily resolve it. So, what do we have to do here? It's very easy. Let me explain what I'm trying to say here. So, I'm using a 4-bit binary adder. I have taken a 4-bit binary adder. I have used the first 4 bits here. I've used these 4 bits here. I've added them. Then after adding them, I'm trying to identify, is the sum greater than 10 or not? Kya jo sum hai, wo 10 ya 10 se bada hai ya phir nahi hai? If the sum is greater than or equal to 10, agar sum aapka greater than or equal to 10 hai, then I have to add 0, 1, 1, 0 in this. Agar sum greater than or equal to 10 hai, tab hum usme 0, 1, 1, 0 ko add karenge. If the sum is not greater than or equal to 10, then I can give the output. So, jo bhi output aayega, I can simply give the output. But agar sum 10 se bada hai, then only I have to add 0110 to this. So, it is very easy. So, ye bahut asaan hai isko implement karna. It is very, very easy. Just think about it, how can you do it. Aap definitely isko khud se kar sakte hain. Again, as I said, for your exam, it is not very important. Only thing that you should know, aapko sirf itna pata hona chahiye, how can you do it. Isko hame kaise perform karna hai, what is the logic behind it, that's it. Aapke exam mein, nobody is going to ask you to design such kind of circuit, because these kind of circuits are very lengthy. Even I am also not designing these kind of circuit. I am just showing you the images. I am just showing you that I have 4-bit adder, I have a 4-bit adder, and how can I do it. I am showing you images ki form mein show kar raha hun, because for your exam, detailing is not important for these topics. Is topic ke liye detailing ki aapko koi bhi zarurat nahi hai. All you should know is ki aapko kaise perform karna hai. Aapko bas uska ek thoda hint hona chahiye. You should only have some idea behind it. Okay? Then we have XS3 adder. So XS3 adder ka matlab kya hai? So whatever you have, if you have XS3 numbers, jaise agar aapke paas ek number 9 hai, how do you represent 9 in binary? 9 ko binary mein kaise represent karenge? That is 1001. And how do you represent 5 in binary? That is going to be 0101. And then you have to convert this number in XS3. Kaise convert karenge? Just add 3 with this. You have to convert this number in XS3. How can you convert? Just add 3 with this. If you add 9 plus 3, that is going to be 12. So, ye aapka XS3 hai 9 ka. In the same way, if you add 5 plus 3, that is going to be 8. So, this is representing XS3 for 5. And when you add these digits,
अगर आप इनको ऐड करेंगे देन यू हैव टू चेक इफ देयर इज अ कैरी और नॉट, क्या कोई कैरी जनरेट होता है या नहीं होता. सो यू कैन सी इफ कैरी इज इक्वल टू वन, अगर कोई कैरी जनरेट होता है इन दैट केस यू हैव टू ऐड थ्री विद द नंबर, उस केस में आपको नंबर के साथ थ्री ऐड करना है. लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं होता, इफ कैरी इज इक्वल टू जीरो, अगर कैरी जनरेट नहीं होता देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट थ्री. अंडरस्टूड? देखो बेसिकली क्या है कि दिस इज ऑल्सो एक्सेस थ्री, दिस इज ऑल्सो एक्सेस थ्री, इफ यू एड बोथ ऑफ देम इट विल बिकम एक्सेस सिक्स, तो जो रिजल्ट है वो एक्सेस सिक्स बन जाएगा, राइट. अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट थ्री विद इट सो दैट आई कैन मेक इट एक्सेस थ्री, राइट. इफ देयर इज अ कैरी दैट इज जनरेटेड तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट है वो एक्सेस थ्री फॉर्मेट में नहीं होगा. टू मेक द रिजल्ट टू कम इन द एक्सेस थ्री फॉर्मेट देन आई हैव टू ऐड थ्री विद इट, तो उस केस में हमें ऐड थ्री करना पड़ेगा. जैसे यू कैन सी हियर 9 + 5 = 14, राइट. सो इफ आई चेक 14 हियर, अगर आप 14 को चेक करेंगे देन इन दैट केस देर इज अ कैरी. सो बिकॉज देर इज अ कैरी सो दैट मीन्स हियर आई हैव टू ऐड प्लस थ्री विद द कैरी, तो मुझे कैरी के साथ भी प्लस थ्री को ऐड करना है एज वेल एज आई हैव टू ऐड प्लस थ्री विद दिस फोर बिट्स, राइट. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज एक्सेस थ्री कोड्स इन फोर बिट्स, राइट. इन द सेम वे हियर इफ आई डू 4 + 3 = 7, राइट. एंड इन दिस 7 देर इज नो कैरी, करेक्ट. सो बट हियर एक्सेस थ्री इज हियर, एक्सेस थ्री इज हियर, देन टोटल इट विल बिकम एक्सेस सिक्स. दैट इज वाई, बिकॉज देर इज नो कैरी देयरफॉर आई हैव टू सब्ट्रैक्ट थ्री हियर, मुझे यहाँ से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है एंड आई कैन इग्नोर कैरी. तो यहाँ से जो भी कैरी है उसको इग्नोर कर सकते हैं, देन सिंपली दिस विल बिकम एक्सेस थ्री, ओके. सो अगर नहीं समझ आया, यू कैन टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट सच ए हार्ड एंड फास्ट रूल, जस्ट नीड सम आइडिया कि इस तरह की कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करना है. आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट पैनिक इफ दिस इज नॉट क्लियर. इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो, अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तभी यू कैन स्किप, ओके. So what I'm doing here is, this is a 4-bit parallel adder. I can take the first number, I can take the second number, and then I can find out if the sum is greater than, if there's a carry or not. मैं check कर सकता हूँ यहाँ से कि कोई carry आ रहा है या नहीं आ रहा है. If there's a carry, अगर कोई carry है, in that case, I have to add with these bits, I have to add 3, and with the carry also, I have to add 3. If there is no carry, अगर कोई भी carry नहीं है, in that case, I have to subtract 3. उस case में हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट. सो हियर आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 3, ओके. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड, दिस मच इज एनफ, डू नॉट वरी अबाउट इट, दिस मच इज एनफ. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, रोम. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वो सभी टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.